बार फिर से मेरे न्यू यूट्यूब चैनल यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे हम अक्टूबर का अलॉटमेंट से संबंधित सूचना। तो वीडियो को चालू करने से पहले मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन वाश दबा दे, नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। जैसा कि आपको बता दें कि कल माह सितंबर का राशि जारी किया गया है एसएस मद से वेतन पाने वाले सभी 37 जिला के लिए। जिस जिला में आवंटन जारी नहीं किया गया है वहां पर माह सितंबर का वेतन भुगतान हो चुका है। तो आपको बता दें कि आज बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा जीओबी के तरफ से यानी राज्य से केंद्र द्वारा राशि नहीं मिलने के वजह से समग्र शिक्षा अभियान से वेतन पाने वाले सभी शिक्षकों के लिए 3800 जिला के लिए 12,58,00,00,000 रुपये की राशि जारी की गई है, जिसमें एसएस मद से वेतन पाने वाले सभी शिक्षकों का 38% डीए के हिसाब से वेतन भुगतान होगा और आपको जुलाई अगस्त सितंबर 3 माह का आपको एरियर हो जाएगा। तो आपको अगर जानकारी नहीं है कि 38% डीए पर कितना बनेगा मेरा वेतन, तो उससे संबंधित मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मेरे चैनल पर जाकर विजिट करके वीडियो को देख सकते हैं या मैं उसको आई बटन पर दे दूंगा, वहां से आई बटन पर आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि आपका वेतन कितना हुआ 38% डीए पर। तो बता दें कि 24 घंटे के अंदर वेतन भुगतान करने का आदेश हुआ है जारी, लेकिन 24 घंटे के अंदर वेतन भुगतान नहीं होगा। माह सितंबर और अक्टूबर दोनों का वेतन भुगतान 7 से 10 दिन में सभी 3800 जिला का हो जाएगा। और बता दें आपको कि बहुत से शिक्षकों का अंतर राशि से संबंधित कमेंट आ रहा है कि 15% वृद्धि वाला एरियर का राशि कब तक जारी होगा। तो उन सभी शिक्षकों को मैं जानकारी के लिए यह बता दूं कि उसका भी प्रोसेस चल रहा है। अगले सप्ताह में 15% वृद्धि, नव प्रशिक्षित शिक्षकों का एरियर, जितने भी प्रकार के सभी बकाया राशि है उसके लिए राशि अगले सप्ताह में आने की पूर्ण संभावना है। तो वीडियो में इतना ही, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।